नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सैनी, सैनी गार्डन में आपका स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आप देख रहे हैं ये पपीते के पेड़ है। मैंने इसे ज़मीन में इसके सीड्स लगाए थे ग्राउंड में, और अब आप देख रहे हैं ये काफ़ी हेल्थी है और अच्छे ट्री बन गए हैं। ये जो है पेड़, इस पे पपीते लगते हैं और ये फ्रूट्स का पेड़ है। और आप देख रहे हैं ये दो ट्रीज हैं, और हम दिखाते हैं जैसे हमने काफ़ी बीज डाले थे। दो ट्री ये हैं दोस्तों, ये इसके जो सीड्स होते हैं वे हम थोड़ी सी ग्राउंड को खोद कर उसमें डाल देते हैं, तो ये उगाते हैं और ये ग्रो हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कितने ट्रीज ग्रो हैं आप यहाँ पे, ये देखिए हमने जितने सीड्स डाले थे उतने ही ट्री ग्रो हुए हैं। दोस्तों, ये अभी थोड़े छोटे हैं, थोड़े से और बड़े हो जाएंगे 15 या 20 दिन के अंदर, तो मैं इसे और दूसरी जगह पे ग्राउंड में इन्हें लगा दूंगा, ग्रो करूंगा। इनको अलग अलग जगह पे शिफ्ट कर दूंगा मैं, और इनको 10 या 12 दिन में इनकी थोड़ी थोड़ी खुदाई करके इनको देखना होता है, कहीं इसमें कीड़ा तो नहीं लगा है, कोई रोग आ गया है या दीमक लग गई है या नहीं लगी। तो जैसे कि 10-15 दिन में इसकी थोड़ी थोड़ी खुदाई करके हम देखते हैं, अगर कोई इसमें दीमक या कीड़ा लगा हुआ होता है तो इसमें दवाई डालते हैं ताकि ये इसका जो कीड़ा होता है वो मर जाए और ये पेड़ ट्री अच्छे से ग्रो कर सके। अब आप देख रहे हैं इसमें इस ट्री के छोटे छोटे पत्ते निकल रहे हैं, यानी कि ये अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। दोस्तों, मैंने अभी अपना नया चैनल स्टार्ट किया है और मुझे गार्डनिंग का शौक़ है, तो प्लीज़ अगर आपको कोई इसमें वीडियो में या ट्रीज में कोई कमी नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे से बना सकूं। प्लीज़ हेल्प मी, थैंक यू दोस्तों।